बीएचके का फ्लैट 70 गज के अंदर लिफ्ट कार पार्किंग गेटेड गार्डेड सोसाइटी के अंदर मेट्रो स्टेशन के पास 40 फुट के रोड पे 90% लोन के साथ। इतना बड़ा और इतना आलीशान आज तक फ्लैट नहीं देखा होगा आपने, प्रॉमिस कर रहा हूं। देखिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय भूषण और आज मैं आपको लेके आया हूं मोहन गार्डन के अंदर उत्तम नगर का सबसे बड़ा फ्लैट। मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो उसी फ्लैट के अंदर है, मोहन गार्डन के अंदर है, डीके रोड की टक्कर पे, डीके रोड जो टक्कर मारता है K1 ब्लॉक के अंदर हम इस समय है। 40 फुट के रोड पे जबरदस्त गेटेड सोसाइटी बनाई है हमने, जिसमें टावर 1 और टावर 2 है। जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था आपको, टावर 1 टावर 2 दोनों रेप्लिका है, मिरर इमेज है। 2 BHK 70 स्क्वायर यार्ड में, 3 BHK 100 स्क्वायर यार्ड में। इस समय 70 स्क्वायर यार्ड के 2 BHK में है। इससे बड़ा फ्लैट, इससे शानदार फ्लैट आज तक ना हमने बनाया है, फर्स्ट टाइम आपके लिए। 2 BHK का 70 गज के अंदर एग्जैक्ट 67 स्क्वायर यार्ड का है फ्लैट ये, तो आपके लिए लेके आए हैं। और शुरू करता हूँ मैं वीडियो। देखिए ये लिविंग रूम है इसका, तो लिविंग रूम की अगर हम बात करते हैं तो 14x11 के आसपास का इसका डायमेंशन है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा सोफा सेटअप है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा सारा का सारा एल टाइप में सोफा सेटअप है। पीछे सारा मिरर का काम किया हुआ है, रोज गोल्ड मिरर है यहाँ पे, और विच इज गिविंग अ वेरी वेरी प्रीमियम एंड नीश लुक, तो लवली। और यही हमने आगे इंट्रो किया है अपने फर्नीचर के अंदर, आप देख सकते हैं। सारे के सारे पिलोज जो हैं, जितनी भी सारी पाइपिंग्स हैं, सारी गोल्डन कलर के अंदर है। वो भी गोल्ड कलर है, ये भी गोल्ड कलर है, और सामने जितना भी आप देखेंगे गोल्ड का कंपोनेंट हर जगह है। तो जबरदस्त दोस्तों, शैंडलियर से लेकर फ्लोरिंग तक एवरीथिंग इज प्रीमियम। स्टार्टिंग करते हैं फ्लोरिंग से। विट्रीफाइड डिजिटल टाइल्स हैं, फॉल सीलिंग जैसे आप हमेशा जानते हैं हमारी डिजाइनर फॉल सीलिंग रहती है, वुडन का इंसर्ट जरूर रहता है, शैंडलियर लगा हुआ है, ब्यूटीफुल कंसील लाइट लगी हुई है। यहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द किचन। सोफा सेट के सामने आप देख सकते हैं टीवी पैनल है, और ऊपर से लेकर नीचे तक एवरीथिंग वुडन ही वुडन है। यहाँ पे वुडन टीवी पैनल है डार्क और लाइट कलर के अंदर। तो दोस्तों ह्यूज जिसको कहते हैं ना, अब ये देखिए कि किचन की अगर मैं बात करूं तो 10 फुट बाय 6 फुट के आसपास की किचन है। किचन में हम एंटर करते हैं 10x6 फुट की किचन है। तो ये हमारा पहले एरिया फ्रिज के लिए आ जाता है, काफ़ी बड़ा एरिया। इनफैक्ट ये आप अंदाजा 3.5 फुट के आसपास का है, गहराई भी 3 फुट के आसपास की है। तो ये आपको ब्लैक काउंटर टॉप के साथ डुअल कलर के अंदर, वाइट और ग्रे कलर के अंदर, विद इलेक्ट्रिक चिमनी और सिंक, आपको लवली किचन है। शैंडलियर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, मॉड्यूलर किचन है। तो मास्टर बेडरूम में जाने से पहले कॉमन टॉयलेट की बात कर लेते हैं। 6.5x4.5 फुट का है कॉमन टॉयलेट बाथरूम। अगेन इसको भी आप पार्टीशन कर सकते हैं, अगर आप टफ एंड ग्लास का पार्टीशन देना चाहें तो ड्राई एरिया वेट एरिया हो जाएगा। हमारे सारे टॉयलेट बाथरूम इसी तरह डिजाइन हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूं हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर। डायमेंशन की बात करें दोस्तों तो 12x10 के डायमेंशन है इसके अंदर। अलमीरा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मास्टर बेडरूम ये इसलिए है कि अटैच टॉयलेट बाथरूम है, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। किंग साइज बेड रखा हुआ है, और एक्सेंट वॉल का काम जो किया हुआ है डुअल कलर के अंदर, सामने मिरर्स लगाए हुए हैं विच इज गिविंग अ वेरी प्रीमियम लुक। सामने टीवी पैनल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगेन फ्लोरिंग की बात करूं तो वुडन फ्लोरिंग, वुडन टेक्सचर्ड फ्लोरिंग हुई हुई है विट्रीफाइड टाइल्स में ही, विच इज एक्चुअली वेरी ड्यूरेबल, क्योंकि वुडन फ्लोरिंग ड्यूरेबल इतनी नहीं होती। तो इसके अंदर आपको विट्रीफाइड टाइल्स दी हुई हैं और वुडन टेक्सचर के अंदर। अटैच टॉयलेट बाथरूम की बात करूं तो 7x4.5 फुट का ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी वॉल टू वॉल बहुत मार्बल लुक के अंदर टाइल्स दी हुई हैं, कमोड लगा हुआ है। यहाँ पे आपको अलमीरा दी हुई है, अलमीरा सारी हैंडल लेस है जैसे हमारी द्वारका में होती है। तो द्वारका का काम हम आपको उत्तम नगर में ले आए हैं, हैंडल लेस अलमीरा है सारी की सारी पूरी वॉल तक।
सीलिंग तक। और आइए मैं अब इसको आपको बालकनी दिखाता हूँ। तो दोस्तों बालकनी की डायमेंशन की बात करूँ तो अंदाजन 12 फुट के आसपास की डायमेंशन है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं इसके अंदर गोल्डन कलर की पॉलिश के अंदर ग्रिल लगी हुई है और वॉशिंग एरिया भी हमने बालकनी में दिया हुआ है। वेंटिलेशन की बात करूं तो एक बहुत बड़ी विंडो दी हुई है, हालांकि इसके अंदर दोनों बेडरूम से इसके अंदर बालकनी की एंट्री है। और यहां पे आपको बहुत बड़ी विंडो दी हुई है आपको सनलाइट के लिए और वेंटिलेशन के लिए। आइए मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे रूम में। तो दोस्तों ये हमारा सेकेंड बेडरूम है। सेकेंड बेडरूम की बात करें वेंटिलेशन देखिए इसके अंदर भी विंडो से है, बहुत बड़ी विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। और ये आपका क्वीन साइज बेड रखा हुआ है, सामने टीवी पैनल है और साइड में अलमीरा है। और पीछे देख सकते हैं आप ब्यूटीफुल डिज़ाइन एक्सेंट वॉल है जिसके अंदर आपको वुडन के इंसर्ट्स दिए हुए हैं। पूरी की पूरी थीम बेस्ड काम किया हुआ आप देख सकते हैं, पूरा थीम बेस्ड काम किया हुआ है। ये आपको ड्रेसिंग टेबल भी कह सकते हैं, यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया दे दिया है। पूरा लुकिंग मिरर है, नीचे आपको रखने के लिए स्लैब दिया हुआ है। तो दोस्तों इससे बड़ा 2BHK 70 गज के आसपास आपको 2BHK मिल रहा है और आपको देने हैं 10% 90% लोन के साथ है। गेटेड सोसाइटी, गार्डेड सोसाइटी, एक्सटीरियर पे जो अमेजिंग काम कर रखा है, एक्सटीरियर का मैंने आपको बताया था, एक्सटीरियर जो है हेरिटेज लुक में दिया हुआ है, सारा ग्वालियर स्टोन का काम किया हुआ है। आगे 40 फुट का रोड है, गेटेड सोसाइटी है, गार्डेड सोसाइटी है, गार्ड 24 घंटे बैठेगा इसके अंदर। टावर 1 टावर 2 है और मेट्रो स्टेशन के पास है, डीके रोड की जस्ट टक्कर पे ही है मेट्रो स्टेशन, नवादा मेट्रो स्टेशन के पास है। 90% लोन के साथ है, 10% आपको लेके आने हैं, फ्लैट होगा आपका। अमेजिंग सारी चीज़ें पास है, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए, आपको ग्रॉसरी स्टोर चाहिए, आपको जिम चाहिए, आपको क्लब चाहिए, आपको मेडिकल स्टोर चाहिए, नर्सिंग होम चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए। नवादा मेट्रो स्टेशन, द्वारका मेट्रो स्टेशन, द्वारका पार्क है जहाँ से 1 किलोमीटर की 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पार्क है। तो दोस्तों एवरीथिंग यू विल गेट इट, एवरी सिंगल थिंग। तो अब आपसे जैसे रेट की बात जब आती है आप लोग बड़े नाराज़ होते हैं कि हम रेट नहीं बताते, दोस्तों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि रेट हम इसलिए नहीं बताते कि डिस्क्रिप्शन पूरी देनी होती है। सेमी फर्निश्ड और फुली फर्निश्ड का रेट अलग होता है, टॉप फ्लोर का और नीचे का फ्लैट अलग होता है। एक जेनरिक रेट बता देंगे तो बाद में कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे रेट्स दिए हुए हैं, टॉप का क्या रेट है, नीचे का क्या रेट है, फुली फर्निश का क्या रेट है, सेमी फर्निश का क्या रेट है, क्या क्या इन्वेंट्री बची हुई है, कितने फ्लैट्स बिक चुके हैं, एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए, जस्ट आपने वीडियो के नीचे ही देखना है, स्क्रॉल करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी नीचे दिए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं व्हाट्सएप पे या आप हमारे टेलीकॉलर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे रिक्वेस्ट हमेशा थी और बनी रहेगी, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। आपको आपकी ड्रीम होम यहीं से मिलेगा दोस्तों, हमारी कुशवाहा की पूरी टीम लगी रहती है कि आपको आपका ड्रीम होम दे सकें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लोकेशन पे, बहुत अच्छा शानदार फ्लैट आपको दें और आपकी जो जेब को भी आपके बजट को भी सूट करता हो। कम से कम जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है उतना बयाना लेकर, उतना बुकिंग अमाउंट लेकर, बाकी लोन कराकर, सारे ड्रीम्स आपके यहीं के यहीं हैं। जितने ड्रीम्स हैं आप हमारे पास लेके आइए, हम आपको फ्लैट देंगे 18 लाख से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में, वेस्ट दिल्ली में, उत्तम नगर और द्वारका में। दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।